ये बच्चा अरमान मलिक का है, मैं मैरिड नहीं हुआ, अनमैरिड हुआ। कि अगर विंडो खुली होती है ना तो भी डी 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 करती है। यहाँ पर बंदा जा रहा है बैंड पहली बार, तो मैंने क्लब के बैंड बहुत पहने। तो गाइज हमें यहाँ पे टास्क मिला है 40 मिनट्स के अंदर एक वीडियो ही बना के, और इंस्टेंट ये सोचेंगे अरे भैया 40 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को 10 मिनट देते मैं इसमें भी कर देता। तो बस अभी पोस्ट करने वाला हूँ, शायद विनर मैं ही हूँ। कंटेंट क्रिएटर का मतलब होता है जागना, और हम जाग रहे हैं। 40 मिनट देते कंटेंट बनाने के लिए, तुम्हारे भाई ने 5-7 मिनट में बना के डाल के कॉफी पी रहा हूँ, और सब कंटेंट और एडिटिंग कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक फ्लैट भाई मुझे यहाँ दिलवा दे, नहीं या फिर कोई होटल खरीदना पड़ेगा मुझे। और बताओ जी, कोई एक गाना हो जाए कुछ प्यारा सा। इसको पापा के गाने को प्रमोट करने के अलावा और कुछ नहीं आता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आप ये सोच रहे होगे सुबह सुबह ये कहाँ के लिए रेडी हो गई है, तो मैंने कल के व्लॉग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग आए हैं एक यूट्यूब इवेंट पे। तो अभी बस सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, क्योंकि जब भी हमें किसी इवेंट में जाना होता है ना, या फिर कहीं भी जाना होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि नींद जो है वो आती ही नहीं। जब हमें पता होता है सुबह जल्दी उठना है, तो नींद बिल्कुल आई नहीं, 1.5-2 घंटा सोए। लेकिन चीकू अभी जस्ट 9:30 बजे उठा है और अब कर रहा है ब्रेकफास्ट, तो मैं जो है सिर्फ लिपस्टिक रह गई है। लिपस्टिक लगाने के बाद बिल्कुल होगी रेड। चीकू क्या खा रहे हो? इसके मुंह में सामान है, अभी नहीं उड़ पाएगा। और देखो प्लेट तो इसने पास्ता की इतनी भर रखी है, जैसे सारी खा जाएगा। खा लोगे अभी सारा? चलो देखते हैं। तो गाइस जिस चीज की कमी थी वो भी पूरी कर ली है। अब जो है लग रहा है कि हाँ मेरा मेकअप डन हो चुका है, सिर्फ हील्स पहननी है। और ना मैंने जब से ये आलता लगाया ना गाइस, आलता पैरों में से निकल ही नहीं रहा है देखो, तो मुझे पैक हील्स पहननी पड़ेगी। बस हो गया और निकल रहे हैं। नीतू को मैंने फोन कर लिया, नीतू भी रेडी है, 10-15 मिनट में वो भी आ रही है। तो मेरे बालों को भी मैंने प्रेसिंग कर दिया है, अब बस कान में पहनने की कमी रह गई। और मैं अपनी घड़ी भूल आई हूँ घर पे ही, तो बस हो चुके हैं रेडी और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं इवेंट के लिए। आज आपको मिलवाते हैं नीतू से और लखन से, क्योंकि वो लोग कल भी इवेंट में था ना, तो वो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो रात को हम मिल नहीं पाए उनसे। और आज जो है सुबह वो निकल गए क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं, तो उनसे वहीं जाके आपको मिलवाती हूँ मैं। चीकू भी बहुत एक्साइटेड अपनी मासी से मिलने के लिए। तो गाइज मैं आई हूँ होटल के नीचे, मैंने कहा थोड़ा मैं बाहर घूम आती हूँ, धूप सेक आती हूँ, क्योंकि जब से आए ना हम रात से ऊपर ही, हम नीचे नहीं आए। चीकू का जो ब्रेकफास्ट है वो भी इसने रूम में किया, मैं तो नीचे आके कर गई थी। तो थोड़ा यहाँ पे हम सैर भी कर लेते हैं और आपको थोड़ा नोएडा का दर्शन भी करा देते हैं। नोएडा कैसा है देखिए? मम्मा हाँ जी, मेरे को पार्क की स्मेलिंग आती है। बताओ पी हाँ आर पी ए हाँ पी ए नहीं पी आर पी आर हाँ ए हाँ के के वेरी नाइस वेरी नाइस। पार्क हो रहा, देख कितना बड़ा पार्क है। देख मेरे को लगा झूला झूलना है क्या आपको? तो पद्दी बैठ दो, मैं झूला के लाती हूँ। तो गाइज मुझे ना होटल में ना ब्रेकफास्ट इतना पसंद नहीं आया, तो मैंने ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कम किया था। तो मैं अभी चीकू को लेके निकली हूँ कुछ हल्का फुल्का खाने पीने या साथ में कैरी करने के लिए। तो चीकू सिंघाड़ा खाओगे? सिंघाड़ा छोले कुलचे खाओगे? यहाँ के फेमस छोले कुलचे खाते नहीं? छोले कुलचे नहीं खाएंगे हम, कुछ और खाएंगे। नारियल पानी पीने? नहीं, छोले कुलचे क्या होता है? छोले कुलचे खाने थे, छोले कुलचे खाने हैं। तो वापस घूम के छोले कुलचे खाएंगे। तो गाइस हम आ गए आपके सामने रेडी होके, और हम जाने वाले हैं आज एक इवेंट में, साथ साथ लखन नीतू वहाँ पहुँच गए हैं और चीकू का वेट कर रहे हैं ना। चीकू हाँ जी, वो मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ उनसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की है जो मुझे पहचान में नहीं आ रही, क्या नाम मैडम आपका? पायल मलिक। तो ये बाल आपके असली है नकली है? मेरे बिल्कुल रियल हेयर्स है। इसके लिए कुछ आप तरकीब बताओ कि बाल कैसे बढ़ते हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं एक्चुअली बिजी हूँ। नहीं आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रही है मुझे, नजर ना लग जाए मुझे। आपको? तो मेरी बीवी है ना। अच्छा। तुझे लगे मुझे लगे बराबर है बात। बच्चा आपका है? ये बच्चा अरमान मलिक का है। आप कितने बच्चे हैं? मैं मैरिड नहीं हुआ, अनमैरिड हुआ। ओफो मैम, चलिए आपको पता है पहले मैंने ब्लैक पहना, फिर मैंने रेड पहना, फिर मेरे को दोनों सही नहीं लगे, फिर मैंने जाके व्हाइट पहना, और मुझे नहीं पता था आप भी व्हाइट पहन के आ रहे हो। तो ये मैचिंग हुई है दिल से। तो यहाँ पर हमारे भाई आ गए हैं, कैसे हो दादा? तो ये हमारे भाई है दीपक भाटी, और ये हमारे ग्रेटर नोएडा से। तो गाइस अक्सर ऐसा होता है मैं बेल्ट लगाने भूल जाती हूँ जब भी आगे बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना पीछे बैठना ज्यादा पसंद है। और मुझे साथ वाले बताते हैं, मेरे साथ वाले जो है वो बताते हैं कि गाड़ी की जो है घंटी बज रही है बेल्ट लगा ले, फिर जाके। गाड़ियों में बहुत अच्छी सुविधा दे दी अभी, मतलब 2-4 साल
से। मैं तो पहले क्या ना लोग ना बेल्ट नहीं लगाते थे, अब क्या ना बेल्ट का ना सिंबल बचता रहता और वो कंपनी भी नहीं हटाती। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं हटवा लेता हूँ ये वो, तो बहुत मजेदार लगता है। मैं तो बिना बेल्ट के चलाता ही नहीं हूँ गाड़ी। और गुड्डू एक और भी चीज मैंने फंक्शन देखा ना थोड़े टाइम से कि अगर विंडो खुली होती है ना तो भी डी 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 करती है। बहुत सारी फैसिलिटी हो गई पहले से लेकर गाड़ियों में और जो बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है, हमारे लिए भी सेफ है। तो जस्ट अभी अभी नीतू का मेरे पास नीतू का कॉल आया है, इनके पास लखन भैया का कॉल आया है, कह रहे भैया कहाँ रह गए। तो हमने बोला सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट में हम आपके पास पहुँच जाएंगे। नीतू और लखन से ना अलग ही प्यार है, वो इंसान है ना जो मैं कल भी एक बात बोल रहा था अलग लेवल का। जैसे मुझसे कोई गलती हो जाती है यूट्यूब पे इंस्टा पे तो मुझे स्पेशली रात को कॉल आता है, अब हम भाई ये चीज गलत है इसको हटा दो या फिर इसको ये कर लो इसको ठीक कर लो। और जितना एक्सपीरियंस मुझे है तो मेरा भी ये रहता है जब मुझे लगता है ना कि लखन कुछ कर रहा है फिर नीतू कुछ कर रही है तो मैं भी उसको कॉल कर जाता हूँ ऐसे करो ऐसे करो। तो उनके साथ ना बॉन्डिंग ना घर से भी ज्यादा बढ़िया बन गई और बिना स्वार्थ वाले। कुछ रिश्ते होते हैं ना गुड्डू जो दिल से दिल तक होते हैं, बिल्कुल बस वही है नीतू का और हमारा लखन का। मैंने बोला था लखन भाई मैं तो दोबारा इवेंट शिवेंट में जाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे पास तो बहुत सारे इवेंट आते हैं बहुत सारी कोलैबोरेशन होती है। तो अमन भाई करो ना, करते क्यों नहीं हो, लोगों से मिलोगे तभी तो उनको आपके बारे में पता लगेगा। तो ठीक है। और मुझे ना लखन भैया की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब लखन भैया बोलते हैं ना सिर्फ हाँ बहना, मुझे कहते हाँ गुरु जी हाँ बहना, वो जो बहना बोलते हैं वो अच्छा लगता है मुझे। हाँ गुरु जी, हाँ जी चच्चू, हाँ गुरु जी ठीक है जी, तू भी ऐसे बोल। ठीक है जो बस पहुंच रहे हैं और जीकू का भी जो है इंतजार खत्म होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि रात को नहीं मिल पाए क्योंकि वो भी लोग भी इवेंट पे थे रात को 2 बजे। क्वालिटी और भी है, वो क्या करते हैं वो टाइम से सोते हैं, तूफान आंधी ये 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 बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही भी है। वो 12-1 बजे तक पहुंचे थे, 5 बजे वो योगा करते पहुंचे थे, वो सो गए थे, उसने हमारे छोटे भाई उनका नंबर दे के भैया मैं सो रही हूँ आप इनका नंबर ले लो। तो इनसे ना मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, कल को जहाँ ऐसे दिल्ली से कोई आया तो अपने मैनेजर है भाई का नंबर दो कि भैया मैं सो रहा हूँ आप इससे बात कर लो हम सुबह मिलेंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात ये है, होना भी चाहिए, इंसान के ना नींद पूरी होगी फिर काम हो जाएगा, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो काम में दिल कहाँ लगेगा। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम ना अपना बैठे रहते हैं सामने वाले के इंतजार में कि आएगा उसको बुरा ना लगे, उसको बुरा नहीं लगेगा, आप अपनी नींद लो नंबर दे दो जिससे वो अपना मिले और काम खत्म। नहीं बिल्कुल सही। तो फाइनली भैया हम पहुंच गए हैं और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। चीकू पापा देखो दोनों तरफ फेस देखो, अब अच्छा लग रहा है चीकू ने हैंडके लगा रखा है, अब थोड़े दिन बाद इसके बाल और बढ़ जाएंगे तो इसके हम पोनी कर देंगे जो मेरी ख्वाहिश है। चले भाई चलो इसे मैं सेट को दे दूं। हेलो यहां पर बंधा जा रहा है बैंड शायद पहली बार, ये तो मैंने क्लब के बैंड बहुत बांधे थे। हां YouTube के बैंड पहले 3 2 1 आपको कुछ भी बोलना मुझे कुछ नहीं लगता। नो प्रॉब्लम आई एम राइट हियर, दे आर होस्टिंग राइट नाउ बट फायर नाइस टू मीट यू सेम। आई नो हिम, आई हैव सीन हिम इन द ही हैज अ चैनल राइट, आई हैव सीन इट, वेलकम। थैंक यू द लॉरी गाइस आर गाइस लखन भाई चीकू से पहली बार मिले, देखते रोज है नहीं मैं इसको डेली देखता, लग ही नहीं रहा पहली बार मिल रहा तो गाइज हमें यहाँ पे टास्क मिला, हम जस्ट अभी पहुंचे हैं और हमें टास्क मिला कि हमें 40 मिनट्स के अंदर एक वीडियो ही बना के अपने ये YouTube पे डालनी है और इंस्टेंट ये सोचेंगे। अरे भैया 40 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को 10 मिनट देते मैं इसमें भी कर देता। नहीं चलो फिर शुरू हो जाए। तो भैया एक हैशटैग दिया था हमें और हमें दिए थे 40 मिनट एक कंटेंट बनाने के लिए और तुम्हारे भाई ने 10 मिनट भी नहीं लगे, कितने मिनट लगे भाई मुझे बनाने में? 10 मिनट तो ज्यादा बोल दिया आपने, 5 मिनट। 5 मिनट में कंटेंट हमने बना के दे दिया, तो बस अभी पोस्ट करने वाला हूँ, शायद विनर मैं ही हूँ। तो गाइस नीतू जो है अभी अभी आई थी पीछे मन की गई है और बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है, बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है, इधर ही कहीं घूम रही होगी। लखन भैया वहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हैं जो हमने बनाई है, देखो ध्यान से। ओ डाल दिया मैंने। लखन भाई कंटेंट कैसा लगा? भाई कंटेंट अगर अरमान भाई है तो भी सोचना नहीं है, वो डल गया अच्छा वाला। मुझे सच बता रहा, पहले से ही पता था कि सबसे पहले भी तुम डाल दोगे और सबसे इनोवेटिव भी डालोगे। 5 मिनट में डाल दिया, तुम आते ही सोचा डाल दिया। मैं तो जा रहा हूँ, कुछ लोग तो आइडियाज ढूंढ रहे हैं यहाँ भाई ने। अच्छा, अच्छा। वीडियो बना के एडिट करके पोस्ट भी करते हैं, चारों स्टेप पूरे अपने। यस यस हैशटैग भी डाल दिया, हैशटैग के साथ। वेल डन भाई, वेल डन। लखन भाई से सीखा भाई, ये देखो हाँ। ये मेरी चॉपसी कर रहे हैं, देख रहे हो? नहीं नहीं देखो, बेंच सीखता हूँ। मेरा ना ब्लॉग देखना ये वाला, मैं बहुत चीजें बोल के आऊँ, मुझे जो नहीं पता था इससे पूछता हूँ, कुछ और नहीं पता भाई, मैं बहुत चीजें पूछता हूँ यार। और मैंने पहला ऐसा बंदा देखा अभी तक इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में, आई हैव बहुत सारी चीजें लोगों को बताई लेकिन मुझे बदले में
जाने वाने मेरी जान, मेरा बड़ा भाई तो नहीं है पर छोटा तो है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल छोटा भाई। अच्छा अब इसका इनाम तो दिलवाओ, मैंने डाल दी वीडियो, मैंने तो डाल दी ना, इन सब के होने दो ना। मोर देन वन चैनल वाला, मुझे लगा आपको अपने दोनों पैर दोनों और हाथ सब उठाने चाहिए। यह 6-7 चैनल है, 10 चैनल। ये भी पीछे नहीं है भैया, 8 चैनल यहाँ भी है। मैं सीख रहा हूँ अपने भाई से बहुत सारी चीजें। देखो कंटेंट क्रिएटर का मतलब होता है जागना, और हम जाग रहे हैं, हम सोते नहीं है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। बहुत क्रिएटिव था, मान गया भाई। पेंटिंग आज चाचू के लिए बनाई थी, भाई फेम एक ही बंदे को मिल रहा है हमारे यहाँ, मैं बता रहा हूँ। ओके चीकू आता हूँ अभी, ठीक है भाई? हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ बिजी है ना चाचू, 2 मिनट बचे या 3 मिनट? 40 मिनट दिए थे कंटेंट बनाने के लिए, तुम्हारे भाई ने 5-7 मिनट में बना के डाल के कॉफी पी रहा हूँ और सब कंटेंट और एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा मेरा तो नाम लिया ही नहीं आपने। लिया क्या लिया? पायल का पूरा रोल था इसमें। चिरायु पायल मलिक, सब्सक्राइबर 3 मिलियन, चिरायु मलिक नेम। दोस्त कौन बनाया? लखन चाचू। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, देखो जिंदगी में ना किसी के साथ भी कोलैब करो, छोटा बड़ा मत समझो कि मैं बड़ा क्रिएटर हूँ ये छोटा क्रिएटर, छोटे से ही बड़ा बना जाता है। और तो मेरे जो जितने भी कोलैब है लखन के साथ होते हैं, और ये एक फैमिली कोलैब होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज के जो क्रिएटर है बुरा मत मानना, क्या रहता है ना कि जब हम उनसे मिलते हैं ना तो वो पूछते कितने सब्सक्राइबर है, पर ये होना चाहिए कि आप कंटेंट क्या बनाते हैं, तो ये चीजें आप मत करो। मैं तो सबसे यही बोलना चाहूंगा, बाकी कोलैब करो, मिलो जुलो, अगर जब जैसे हम जैसे मिलते हैं ना वैसे ही रहो, बाद में ये मत बोलो उसके अंदर बहुत घमंड है। कई बार क्या होता है ना टाइम नहीं मिल पाता हमें बात करने का, बिजी होते हैं हम कंटेंट बनाने, हम कंटेंट बना रहे हैं, फोन आ रहा है, हम फोन काट देते हैं, तो सामने वाले को लगता है इसके अंदर तो घमंड आ गया, फिर हम उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। साथ मिलजुल के रहो, और एक साथ ये यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत बड़ी, और भाई लखन भाई की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कम टाइम में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच YouTube फॉर ब्रिंगिंग सच पॉजिटिविटी सच स्टेबिलिटी इन द लाइफ ऑफ क्रिएटर। थैंक यू सो मच, अरे सब्सक्राइब क्यों करेंगे साहब, यहाँ पे हमारा तो छोटा चेतन है, इनकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं टिकटॉक के टाइम से देख रहा हूँ, बस ये था कि आज किस्मत है मिला। थैंक यू सारा देखा था क्या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में, किस तरह से आप लोग इतना बहुत प्यारी बच्चे बेबीज को देखती रहती थी। चीकू नमस्ते, क्या तो अमेजिंग। हेलो पकड़ 16 किलो का जिम बना देना। चीकू आपने हेलो किया, मैंने बोला था आपको मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, पता है इनकी वीडियो देख देख के हम जी रहे थे। थैंक यू सो मच, मैं अभी हूँ फिर अभी यूएस वापस चली जाऊंगी दिसंबर तक। आई वुड लव कि आप लोगों के साथ कोई कोलैब करूं या मेक कोई इवेंट, आप आ जाओ। बाय, थैंक यू। एनी फोटो ले ले, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग चंडीगढ़ में? हाँ जी, मैं फरीदाबाद। फरीदाबाद आओ चंडीगढ़ टाइम मेरा। स्मार्ट हो गया लड़का, शादी कब है तेरी बता। अरे अरे भाई जान क्या सर, हेलो हेलो कैसे हैं आप सब लोग, मजे में बिल्कुल, और आज हमारा दिन बन गया है दीदी से मिलके, मेरा दिन बन गया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो अब जाके मेरा भाई फ्री हुआ है, और अच्छा, कल से मतलब कल मुझे लग रहा था इसी प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे ना, कल पहले शाम यही वाला था सेम। इसके बाद हम गए वो जो टाइप का था वो कुछ, इसके बाद हम लोग पहुंचे, आई गेस पहुंचते कॉल किया था 11 या 11:15 उस टाइम हम पहुंचे, आने में उस टाइम भी 1 घंटा लगने वाला था ना। मैं सोच रहा हूँ एक फ्लैट भाई मुझे यहाँ दिलवा दे तो अच्छा रहेगा, भगवान माँ की कसम। मैंने पूछ ले भाई, मैंने बोला पाल सुन ले, मैंने क्या बोला था रस्ते में, मैंने बोला एक नोएडा में फ्लैट ले रहे, दिल्ली के चक्कर ज्यादा लग रहे हैं, मैं सारी यूट्यूब मुझे लग रहा है सारी यूट्यूब की कमाई ना रेंट में चली जाएगी हमारी, किराए में होटल के।
नहीं या फिर कोई होटल खरीदना पड़ेगा मुझे। अब मैं आज सीरियसली लग जाऊंगा है ना। आई टोल्ड यू द ऑफिस हैज कैफेस। ओके चिकू बाय। चीजें सीखने को मिली है और जितना हमें बता हम भी चाहते हैं आप तक शेयर करें। सबसे अच्छी चीज क्या है वो YouTube की जो मेन चीज है। मेन चीज है YouTube से है वो। भाई जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये चीज हमने 5 सेकंड बैठ जाओ पहले लोगों को टाइम दो और करना सब्सक्राइब कर लो फिर हम आगे का ब्लॉग बनाएंगे। बिल्कुल कर लो यार क्योंकि ना बहुत मेहनत करते हैं हम चाहते हैं हम आप तक बने रहे। आप पूरा देखते हैं। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू। तो भैया अभी खाना पीना खा के निकलेंगे चंडीगढ़। हेलो पहले तुम कहाँ निकलोगे चंडीगढ़? क्यों जाना भाई काम है। क्या काम है भाई? बच्चे के लिए कल करवा चौथ की तैयारी करेंगे भाई। भाई हाँ देखा ये जाने की मजा है परसों है पर आज नहीं जाना है। नहीं जाना तो आज ही है मेरे को मेहंदी लगवाके आनी है। बताओ यार भाई अगर करवा चौथ नहीं रखेंगे तो मेरी उम्र कैसे बढ़ेगी? लेकिन लगवा सकती हूँ बताओ उसके साथ ही जाऊंगी ना लगवा। कैसे उम्र बढ़ेगी बताओ? इन पर जवाब तैयार है दोनों पूरी प्लानिंग के साथ स्क्रिप्ट के साथ। नहीं नहीं नमस्कार जी मैं हूँ अरमान मलिक और आज मैं इवेंट में पहुंचा हूँ और बहुत ही कमाल का इवेंट रहा है। चैनल की बात करें फैमिली फिटनेस अरमान मलिक चिराई में और भी बहुत सारे चैनल हैं और सब्सक्राइबर की तो क्या बात करें एक हो या दस बहुत प्यार मिलता है। और आज जब मैं इस इवेंट में पहुंचा उसके बाद घर जाने का दिल नहीं कर रहा। इवेंट वाले बोल रहे हैं भैया इवेंट खत्म हो गया तो घर जाओ। मैं सबसे मिला यहाँ पे मिलने के बाद एक चीज सीखने को मिलती है जब भी यूट्यूब का इवेंट हो आप वहाँ जरूर पहुंचे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है लोगों से मिलते कनेक्ट होते हैं और साथ साथ क्रिएटर से मिलते हैं कि क्रिएटर क्या होता है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा जब भी यूट्यूब का इवेंट हो आप वहाँ पहुंचे और जितना भी है योगदान दे कंटेंट सीखे और जो यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं तो बात करें और कुछ ना कुछ मजेदार सीखने को। क्या बोलते हो? तो मैंने तो सोच लिया है कि नेक्स्ट जब भी होगा जहाँ भी होगा हम लोग जरूर पहुंचेंगे और पूरी फैमिली के साथ पहुंचेंगे। अभी तो सिर्फ हम दो ही आए हैं। कहने का मतलब ये स्कूल है यूट्यूब का स्कूल है और यहाँ पे आके अपनी क्लासेस लें चीजें सीखे। थैंक यू सो मच। मेरे को यही चाहिए ये घर लेके जाने में। तो बेटा ये मैं नहीं लेके ले सकता ये जो यहाँ के जो कार्यकर्ता ना वो हमें घर नहीं लेके जाने देंगे। वजन है बच्चे में मैंने उठा दिया। और बताओ जी को एक गाना हो जाए कुछ प्यारा सा जी की सारा सा बस बस बेटा इसको पापा के गाने को प्रमोट करने के अलावा और कुछ नहीं आता। तो भाई आज हेलो जी आ गया मैं एक मिनट तुम्हारे प्यारे भाई सब्सक्राइबर हैं वीडियो है। क्या नाम आपका? एमसी बुद्धू। एमसी बुद्धू वो बुद्धू तुम? नहीं 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 मैं गेमर हूं। नाम है भैया से मिली। हाय कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपकी मैं वीडियो डेली देखती हूं। थैंक यू जी थैंक यू सो मच। प्यारी सी वीडियो है। चीकू से मिल गई। चीकू से मिलवा लेते हैं। ये देखो हमारा चीकू छोटा सा कितना क्यूट है ना यार। मैं जबरदस्त जलवा तो मैं देखता रहता हूँ ये कैमरा साइड में होता है। पहुंचे दिल्ली जब भी आए लखन भाई से मिले मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा बायो में। काम कर रहा है इनको इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना वहाँ ये रिप्लाई दे देना। ओके ओके ओके। और कहीं कंप्लेंट आई तो नहीं नहीं मैं करूंगा मैं ठीक है। सुपरस्टार बाय बाय बाय। चलो भैया आज का ब्लॉग अभी खत्म नहीं करते घर जाए करेंगे। अभी तो अभी हम यहाँ से निकल रहे अभी दिल्ली दूर है। ओके बाय बाय बाय। आज और मैं भाभी की दोनों की मोस्टली ठीक है। हाँ भैया बढ़िया मम्मी बहुत देखती हैं आपकी वीडियो भैया की और आपकी दोनों की लगे रहते हैं ठीक है। मैं बहुत क्यूट लग रहा है आपके साथ साथ। ये रही बहू मिल लो तो भैया इनको बोला मैंने चंडीगढ़ आपकी बारी है नहीं आया तो मैं दिल्ली नहीं आऊंगा ठीक है। देख लो हाँ देख लिया आ जाओ यार मैं आ जाओ मैं आ रहा दिल्ली में 22 के बाद अब तो सर्दियों का मौसम आ गया तो तुम कश्मीर की तरफ भी जा सकते हो। पापा एक तुम साथ में जाने
निकल चुके हैं और बहुत कमाल का रहा, दिल खुश हो गया हमारा तो यार। और बस हम तो यही बोलेंगे हर बार जब भी इवेंट हो हम पहुंचे, क्योंकि ना पहले हम बहुत गलतियां करते थे, हम नहीं पहुंचते थे, सच बताऊं। ये नहीं हमें आते नहीं थे, हम पहुंचते नहीं थे क्योंकि बच्चे छोटे थे, काम में लगे हुए थे। तो अब चीजें मैनेज कर रहे हैं, चीजों को लेके बड़ा कर रहे हैं, और अब हर एक इवेंट हर एक कॉलेज में हम मिलने वाले हैं आपको। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहीं से हम चंडीगढ़ की तरफ निकल ले। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पापा, पहले वो सामने जो पुल देख रहे हैं, वो सामने पुल है ना, उस साइड जाना, और पुल के ऊपर उस साइड जाना। अच्छा, बत्ती हो रही है ना अभी तो? हाँ अभी बत्ती हो रही है, लेकिन उस साइड जाना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पेट शॉप या पेट नहीं? हाँ तो मुझे कुछ पेट भी लेने हैं, तो शायद मैं पेट लेता हुआ जाऊँ, क्योंकि वो जो पेट की शॉप है ना वो नोएडा वाली साइड है। ठीक है भाई, वो भी ले ले। तो भाई चीकू मेरा इतना समझदार हो गया है ना, मैंने चीकू को बोला चीकू लेंस निकाल दे, इसने जिंदगी में कभी लेंस नहीं निकाले, पर इसने अभी मेरे दोनों लेंस निकाल दिए इतने प्यार से। क्या बात है चीकू, इनाम बता क्या चाहिए? मेरे को चाहिए बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दिलाऊं। तो अब फेंक दूं इसको? दोबारा तो यूज नहीं करना। तो हमने गोलू को पागल बनाया कि हम नहीं आ रहे हैं, और गोलू ने खाना खा लिया है। दो मिनट वेट किया था पूरा। मैंने ना बहुत देर से वेट करी, 8 बजे से भूख लग रही, खाना खाऊंगी। मुझे लगा यार कि ना मेरे को सबसे टेंशन लगी खाने की, ये खाना बहुत सारा बनाया है। मेरी गुजरी बाबू ये मेरा वेट कर रहा। हाँ हाँ मेरे चंडीगढ़ कितनी चमक रही है ना बाल। अब तो थोड़े आप देख इसके टकले पे हाथ फरा के देख इसकी तो। हाँ जी हाँ बेटी, ये देख कैसे हंस रहा है, कांटे से चुभेंगे आपको। अच्छा मैंने ना तोते लेके आ रहा हूँ फार्म के लिए। अच्छा बड़े बड़े लिए या फिर मैं हैदराबाद से लाऊंगा? आप हैदराबाद से लेके आओ। लेके आओ थोड़ी, तुम दोनों जाओगे, अभी मैं इवेंट पे होके आ गई, अब तुम दोनों जाओगे। मैं तो ठीक है, चलो चले चलो, मैं पैकिंग कर दूं। चल गई क्या, कहाँ लगी? देखो मम्मी ने लिपस्टिक पूछी है, वो कुत्ते पप्पी खरीदी। अयान सो गया? अयान और जैद और तूबा सारे इकट्ठे सोए थे, अभी तूबा उठी है और ये 1 घंटा हो गया उसको उठे, अयान सो रहे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, और चौथे चौथे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मी बीती को सब्सक्राइब कर दो, मी चुन्नी को सब्सक्राइब कर दो। सुनते जैसे चले पाले सी इसकी मेरे जैसे, मेरा कोई रोल नहीं है। तेरा है ना चिकू? मेरा कोई रोल नहीं बीच में, अयान का तू है चिकू। मेरे को कमेंट ज्यादा आते हैं। अच्छा कमेंट आते हैं? कमेंट नहीं आते हमको, इतना प्यार करते हैं। नहीं मुझे ज्यादातर कमेंट क्या आते हैं, मैंने खुद पढ़े, मैं निकालती हूँ ना कि आपकी जो शक्ल है तूबा से मिलती है, और आज तक कभी मेरे को किसी ने बोला नहीं। वैसे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं पर रियल में यहाँ पे इसकी शक्ल पापा से मिलती है। पापा कौन? हमारे पापा। पापा क्या? मैं हूँ तरुण बसरा। अच्छा, इसकी जैद से मिलती है, और आपकी मिलती है अयान से, और इसकी मिलती है तूबा की मिलती है पायल। ठीक है, तेरी शक्ल किससे मिलती है? पापा से। शक्ल पापा से, मेरे से। ठीक है ना, ऐसे आपको अपनी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी बता देगा। ये चीकू की जो शक्ल है वो थक जाते हैं। पायल के कपड़े पहने चीकू ने? चीकू ने पायल नहीं, पायल ने पहने चीकू के कपड़े। नहीं फिर चीकू की पैंट लग रही है मुझे तो, ये चीकू की पैंट है। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता लगा, झूठ मत बोलो, सही बोलो बच्चों का। मैं तो देखते पे बेटी तीनों इकट्ठे सोए थे वो वहां पे, देखो मैं दिखा देती हूँ। लाइट तो चला, दिखा दो कहाँ है मेरा लड़का। ये देखो यही लड़का हमारा सो रहा है, सेठ जी हमारा सो रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, ध्यान रखो, उल्टी मेरे मुंह पे लगा दी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस आप पूरा व्लॉग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो।